Good morning to all my dear students. Dear students, up to now we have already discussed the exercise 1.1 up to question 4. Today we will discuss the next question of this exercise, question number 5. So before starting the question number 5, we will go in the past. कि जो हमने question 4th discuss किया था, we will discuss that. Question 4th में हमने क्या किया था कि फॉर्म द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर, कि स्मॉलेस्ट नंबर हमें बनाना है और ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है विद द गिवन डिजिट्स, गिवन डिजिट्स की हेल्प से. एंड लास्ट में क्या था, रिपीटिशन इज नॉट अलाउड, यानी कि विदाउट रिपीटिशन हमने डिजिट्स को रिपीट नहीं किया था. हमें 4 डिजिट्स ही गिवन थे और 4 डिजिट्स का ही हमें नंबर बनाना था. बट इन द क्वेश्चन नंबर 5, see the statement, what is given, using all the given digits, कि जितने digits हमें given हैं उन सभी का use करके form the greatest and smallest number, कि हमें greatest और smallest 2 numbers बनाने हैं of 5 digits, कितने digits के, 5 digits के, without repetition, repetition नहीं करनी, sorry, with repetition, क्या करके, रिपीट करके. क्योंकि जो देखो, लेट सी द क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, 2, 3, 5. इन दिस क्वेश्चन, इन दिस पार्ट, 3 डिजिट्स आर गिवन, बट क्वेश्चन में हमें कितने डिजिट्स का नंबर बनाना है, 5 डिजिट्स का. इसलिए बेटा यहाँ पे क्या लिखा है, विद रिपीटिशन, कि आप रिपीटिशन कर सकते हो Using all the digits, लेकिन जो repetition करोगे तो हमें ये भी ध्यान रखना है कि जितने digits हमें given हैं at least one time तो सभी digits का use होगा. Clear? So हमें कौन कौन से numbers form करने हैं, एक greatest number form करना है, greatest number, और दूसरा smallest number form करना है. So ग्रेटेस्ट नंबर बनाएंगे तो अगर हम 2, 3 और 5 का यूज करके बेटा अगर हम ग्रेटेस्ट नंबर बनाते हैं तो क्या बनेगा, 532, यानी कि 532. बट ये कितने डिजिट्स का नंबर बना है, ओनली 3 डिजिट्स का, और डिजिट्स कितने डिजिट का नंबर बनाना हमें, 5 डिजिट्स का. तो हम रिपीटिशन कर सकते हैं. तो अब रिपीटिशन करनी है तो ये नहीं कि आप किसी भी डिजिट को रिपीट कर दोगे. ओके, क्लियर? तो आपको किसी भी डिजिट का रिपीट नहीं करना है ऐसे ही. तो यहाँ पे जब हम ग्रेटेस्ट नंबर बनाएंगे तो ग्रेटेस्ट नंबर बनाते हुए हमें रिपीटिशन करनी है ग्रेटेस्ट डिजिट की, और जब हम स्मॉलेस्ट नंबर बनाएंगे तो हमें रिपीटिशन करनी है स्मॉलेस्ट डिजिट की. तो ग्रेटेस्ट नंबर अगर हम यहाँ पे 3 या 2 इनको रिपीट नहीं करेंगे क्योंकि हमें ग्रेटेस्ट नंबर फॉर्म करना है, और कितने डिजिट का नंबर बनाना है, 5 डिजिट का. तो यहाँ पे हमारे पास 532 है, तो हम यहाँ 5 को रिपीट किया एक बार और, तो कितने डिजिट का बन गया, 4. नाउ इट इज 5 डिजिट नंबर. सो नंबर क्या बन गया बेटा, 55,532. नंबर क्या बना, 55,532. ग्रेटेस्ट नंबर बनाओगे तो जो ग्रेटेस्ट डिजिट था उसी को रिपीट करना है. क्लियर? अब हमें स्मॉलेस्ट नंबर बनाना इन्हीं डिजिट्स का यूज करके. तो अब देखो क्या बनेगा हमारा नंबर, 2, 3, 5. जब हमें स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है तो अगर सिर्फ इन्हीं डिजिट्स यानी कि 3 डिजिट्स का बनाना तो क्या बनता, 235. बट 5 डिजिट्स का नंबर फॉर्म करना है और रिपीटिशन हो सकती है, तो रिपीटिशन किसको करेंगे हम, 2 को, 2, 2. तो अब हमारा नंबर क्या बन गया, 22,235. नंबर क्या बना, 22,235. क्लियर? सो लाइक दिस वी हैव टू फॉर्म द नंबर्स. अब जो सेकेंड पार्ट है इसका, उसमें क्या है, 7, 8, 9 and 4. 7, 8, 9 and 4. इन डिजिट्स का यूज करके हमें ग्रेटेस्ट नंबर फॉर्म करना है और स्मॉलेस्ट नंबर फॉर्म करना है. अब डिजिट्स कितने हैं, 1, 2, 3, 4.
नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं? 4. कितने डिजिट्स का नंबर बनाना है? 5. तो फर्स्टली हम 4 डिजिट्स का अगर हम नंबर बनाएं, 4 डिजिट्स की हेल्प से नंबर बनाएं, तो क्या बनेगा हमारा ग्रेटेस्ट नंबर? 9 8 9 8 7 4. यानी कि नंबर क्या बना है? 9874. बट कितने डिजिट का नंबर फॉर्म करना है हमें? 5 डिजिट का. तो ये नंबर कितने डिजिट्स का है? 4 डिजिट्स का. तो अगर ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है तो रिपीटेशन किसकी होगी? ग्रेटेस्ट डिजिट की. और ग्रेटेस्ट डिजिट को रिपीट करेंगे तो हम 9 को रिपीट करेंगे, 9 को 2 टाइम्स राइट करेंगे, तो अब क्या नंबर बन गया हमारा? 99874. 99874. यहाँ पे 9 2 ही टाइम्स रिपीट हुआ, यहाँ पे 5 3 टाइम्स रिपीट हुआ. वाई? बिकॉज यहाँ पे 3 डिजिट्स गिवन थे, तो हमें 5 डिजिट्स का बनाना था, 2 मोर टाइम्स और राइट करना पड़ा. यहाँ पे 4 डिजिट्स गिवन थे, 5 डिजिट्स का बनाना था, तो एक ही डिजिट लेस था, तो इसलिए 9 एक ही बार रिपीट हुआ. क्लियर? यानी कि एक टाइम तो राइट करना ही था, एक बार और रिपीट हुआ, यानी कि 9 2 टाइम्स आया. क्लियर? नाउ अगर हम स्मॉलेस्ट नंबर फॉर्म करेंगे तो क्या बनेगा? 4 7 8 9. ये तो कब बनेगा? जब ओनली 4 डिजिट्स का यूज करेंगे हम. लेकिन डिजिट्स कितने होने चाहिए? 5. तो स्मॉलेस्ट नंबर में रिपीट कौन होगा? 4. अब क्या नंबर बन गया हमारा? 44789. क्लियर है? नेक्स्ट जो थर्ड पार्ट है उसमें डिजिट्स की बने 9 8 and 6. This part you have to solve yourself. ये वाला पार्ट बेटा आपको सॉल्व करना है, सेम एज द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. यानी कि जो क्वेश्चन फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट है, सेम ऐसे ही आपका थर्ड पार्ट है. सो यू हैव टू ट्राई yourself. नेक्स्ट जो पार्ट है, पार्ट नंबर फोर्थ. फोर्थ पार्ट में क्या गिवन है? 1 0 2 3. डिजिट्स क्या हैं? 1 है, 0 है, 2 है और 3 है. अब हम यहाँ से ग्रेटेस्ट नंबर फॉर्म करना है पहले, तो ग्रेटेस्ट नंबर फॉर्म करेंगे तो सबसे ग्रेटेस्ट डिजिट कौन है? 3. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट 3, देन 2, देन 1, देन 0. अब कितने डिजिट का नंबर बनाइए? 4 डिजिट्स का, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास डिजिट्स ओनली 4 ही है. लेकिन 5 डिजिट्स का नंबर बनाना है तो रिपीटेशन होगी. किसकी रिपीटेशन होगी? 3 की. सो 3 को हम रिपीट करेंगे. अब कितने डिजिट्स का नंबर बन गया? 5 डिजिट्स का. सो हाउ टू रीड दिस नंबर? 33,210. क्लियर? ऐसे अगर हम स्मॉलेस्ट नंबर फॉर्म करेंगे तो क्या बनेगा? 1 0 2 3. नंबर क्या बना? 1023. बट डिजिट्स कितने हुए यहाँ पे? 4. डिजिट्स कितने होने चाहिए? 5. तो रिपीटेशन होगी, और रिपीटेशन स्मॉलेस्ट नंबर बनाएंगे तो किसकी रिपीटेशन होगी? स्मॉलेस्ट डिजिट की. तो यहाँ पे 1 रिपीट नहीं होगा, स्मॉलेस्ट डिजिट 0 है, तो 0 ही रिपीट होगा. और 0 यहाँ राइट नहीं करेगी, करेंगे 0 हम 0 के साथ ही राइट करेंगे. क्लियर? ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि आपको पता है कि जब स्मॉलेस्ट नंबर हम राइट करते हैं गिवन डिजिट्स की हेल्प से, और अगर 0 है वहाँ पे, तो 0 हमेशा हायर सेकंड प्लेस पे होता है. और रिपीटिशन होनी थी स्मॉलेस्ट नंबर में भी, तो रिपीटिशन 0 की ही होगी, तो 0 भी उसके साथ ही आएगा. यानी कि हायर प्लेस, हायर सेकंड और थर्ड प्लेस पे 0s राइट होंगे. सबसे हायर प्लेस पे 1 राइट होगा, और अदर डिजिट्स पे 2 और 3. सो नंबर क्या फॉर्म हो गया? 10,023. क्लियर है? सो इन दिस क्वेश्चन टोटल 5 पार्ट्स आर गिवन. नेक्स्ट पार्ट में भी 0 का यूज करके आपको नंबर में फॉर्म करना है. सो यू हैव टू ट्राई द फिफ्थ पार्ट योरसेल्फ. क्लियर? आपको क्या करना है फिफ्थ क्वेश्चन में? गिवन डिजिट्स हैं, उन डिजिट्स की हेल्प से आपको नंबर फॉर्म करना है. कितने डिजिट्स का? 5 डिजिट्स का. अगर डिजिट्स लेस है, जितने डिजिट लेस है, तो उतनी ही बार उस नंबर की रिपीटिशन होगी. ग्रेटेस्ट नंबर फॉर्म करोगे तो ग्रेटेस्ट डिजिट की रिपीटिशन होगी, स्मॉलेस्ट नंबर फॉर्म करोगे तो स्मॉलेस्ट डिजिट की रिपीटिशन होगी. ओके ओके बेटा.